रुपया 75 से टूटकर आया रुपया 3 पर यह स्टॉक, अब खरीदने की मची लूट, लगातार निवेशकों को कर रहा है मालामाल। इंडिया स्टील वर्क शेयर, बाजार में उतार चढ़ाव के बीच आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन से जुड़ी कंपनी इंडिया स्टील वर्क के शेयरों में तेजी का सिलसिला जारी है। इंडिया स्टील वर्क शेयर, बाजार में उतार चढ़ाव के बीच आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन से जुड़ी कंपनी इंडिया स्टील वर्क के शेयरों में तेजी का सिलसिला जारी है। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को इस कंपनी के शेयरों ने एक बार फिर 10% की छलांग लगाई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर की कीमत 3.26 रुपया पर पहुंच गई। यह शेयर के 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर भी है। बता दें कि शेयर ने इसी साल मार्च महीने में 1.35 रुपया के स्तर का टच किया था। यह शेयर 52 हफ्ते का निचला स्तर था। इस स्टॉक में लगातार अपर सर्किट लग रहा है। पिछले 5 दिन में 45% तक यह कंपनी चढ़ चुका है, तो पिछले एक वीक में अपने शेयर होल्डर का पैसा 1.5 गुना यह कंपनी करके दिया है और आगे भी इसी तरह का रिटर्न देने का मादा रखता है। कभी 75 रुपये की थी कीमत। इस शेयर के ऑल टाइम परफॉर्मेंस की बात करें तो करीब 28 साल पहले कीमत 75 रुपये थी। इसके बाद शेयर में साल दर साल उतार चढ़ाव आया और अब कीमत 3 रुपये के स्तर पर आ गई है। हालांकि BSE के मुकाबले शेयर ने निवेशकों को 375% तक का रिटर्न दिया। हालांकि इसके बाद साल 6 महीना, 3 महीना या 1 महीना की अवधि का रिटर्न डबल डिजिट में रहा। मैनेजमेंट में बदलाव। इंडिया स्टील वर्क के मैनेजमेंट में बदलाव भी हुआ है। कंपनी ने बताया कि रत्न दीप रंजन और गैर सरकारी और स्वतंत्र निदेशक की श्रेणी में एडिशनल डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 11 दिसंबर से अगले 5 साल की अवधि के लिए प्रभावी है। अब यह शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक प्रमोटर की हिस्सेदारी 50.11% है, पब्लिक हिस्सेदारी 49.89% है।